अच्छा सुनो, आपको एक स्कीम के बारे में बताऊं। देखो रात 10 बजे बस एक जगह पे जाना है, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, यस और नो में आपको उसका जवाब बताना है और ₹1000 आपके नाम। ये स्कीम नहीं है ब्रो, ये है रियलिटी। वेलकम टू कीवी, मैं हूं आपका क्विज मास्टर अतीशे। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? नहीं है तो बस थोड़ी सी देर में हो जाएगा। कीवी ऐप पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो यहां भी आपका हेलो नमस्कार करता हूं। यूट्यूब पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो देख लो, क्योंकि सिर्फ देख ही पाओगे पैसा तो नहीं बना पाओगे। पैसा अगर आपको जीतना है तो कीवी ऐप पर आपको आना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, बस यहीं पर ही देखो, थोड़ा सा अभी कर लो, फटाफट करो, सी मोर पर जाओ, वहां पर देखो कीवी ऐप का आपको लिंक ऑलरेडी दिख रहा होगा। यहां पर आप जाएंगे तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहां पर ₹1000 हो जाएंगे आपके नाम। ये होने वाला है day 4 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इससे रिलेटेड हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको इन के जवाब आसानी से पता होंगे। 10 सवाल आएंगे आपके लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए मिलेंगे 10 सेकंड। यस और नो में आपको जवाब बताना है, जो सबसे सही और सबसे ज्यादा जवाब बताएगा उसका पैसा हो जाएगा। पहला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अश्विन हिट द विनिंग रन्स इन T20 वर्ल्ड कप 2022, यस और नो? Yes or no में आपको सिर्फ जवाब बताना है। टेक योर टाइम ब्रो। वैसे यार इसका जवाब 100% लोगों को मालूम होगा। ये मैंने पहला स्टार्ट दिया है, मेलबर्न की वो रात, ओ माय गॉड, जिसने इंडिया ने शाम शानदार बना दी थी हम सब की, वो तस्वीर जो है अभी भी मेरे मन में ताजी है, वो डायलॉग अभी भी मेरे कानों में बज रहा है। कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, हर्षा बोले के वो वर्ड्स, वही तो मैच है ब्रो। क्या गजब का छक्का मारा था, मतलब मैं देख रहा था बेड पे और मैं बेड से लिटरली उछल गया था। एंड आई एम श्योर सबके यही इमोशंस होंगे। मूड खराब हो तो कोहली का वो सिक्स देख लो, मूड वापस से सेट हो जाएगा, आप भी सेट हो जाएं, क्योंकि ये जो सिलसिला है आगे को बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। यूट्यूब पर यस और नो बोले से फायदा नहीं होगा, कीवी आपको जल्दी से डाउनलोड करो, वहां पर आओ और खेलो। इंडिया पाकिस्तान प्लेड सहारा कप इन द USA इन द 90s, ये है दूसरा सवाल। यस और नो देखो स्क्रीन पे आ गया, जल्दबाजी मत करा करो। टेक इट टाइम। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपको बताएं न्यूट्रल वेन्यू में 3 बार ODI सीरीज ऑर्गेनाइज हुई है। सबसे पहले 1996, फिर 1997 और आखिरी बार 1998 में। ये सीरीज शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, वैसे तो नहीं देखी होगी यार, उस टाइम पे कहां बॉर्न हुए थे, वी आर द जेन ज़ीज़। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो हमसे पहले खेले गए थे, पर अगर आप क्रिकेट की नॉलेज या क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में। क्रिकेट को शिद्दत से फॉलो करा करो, नहीं करना तो कीवी ऐप पर आ जाओ, यहां पर आपको ऑटोमेटिकली सारी नॉलेज मिल जाएगी क्रिकेट से रिलेटेड और पैसे भी। अगले सवाल की ओर चल पड़े क्या? देख लो, अच्छे से तैयारी कर लो, सेट वेट हो जाओ थोड़ा सा, है ठीक है, इंटरनेट वगैरह कनेक्शन ठीक है, रिफ्रेश तो नहीं करना। चलो जी, ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुंबले टुक ऑल 10 विकेट्स वर्सेस पाकिस्तान इन एन ODI, यस और नो? ध्यान से सुना, इन एन ODI, यस और नो? Yes or no? देखो कुंबले इंडियन क्रिकेट के सबसे कामयाब बॉलर हैं, इसमें अगर किसी को कोई शक है तो उसे एक चीज कहना चाहूंगा, अरे कुंबले जैसा कोई नहीं। 619 टेस्ट में विकेट ले चुके हैं, ODI में 337, मतलब टोटल 956 विकेट्स हैं सिर्फ कुंबले के नाम। करियर में नहीं हो पाते हैं जितने 2-3 बॉलर के मिला लो। हाँ, एक बार कुंबले ने पाकिस्तान के सारे 10 विकेट उखाड़े थे, पर आपको यह बताना था कि ODI मैच था कि नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिक तो हम रखेंगे गुरु। चलिए, समय समाप्त भी हो चला है, अगले सवाल की ओर बढ़ने का टाइम आ गया है। ट्रिप भी आपको ऐसे मिलते रहेंगे और मजा भी आपको खूब आएगा, ध्यान से ठीक है, एक्टिव रहना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा गुरु। इंडिया चेस्ड अ रिकॉर्ड स्कोर ऑफ 310 वर्सेस पाकिस्तान इन 1998। थोड़ा सा आपको पहले एरा में लेके जा रहा हूं, क्योंकि उस टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। यस और नो में आपको जवाब बताना है। ओके, थोड़ा सा इस मैच के बारे में, इस चीज के बारे में आपको बताऊं। 1998 को आज भी इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे यादगार साल जो है माना जाता है, और उस साल इंडिया ने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सबका तेल निकाल दिया था लाइन से। वनडे मैचेस में इंडिया ने उस साल 42 में से 24 ODI मैचेस जीते थे, और ज्यादातर मैचेस में इंडिया की जीत की नींव डाली थी किसने? अरे द वन एंड ओनली, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर के लिए इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी। वीडियो नहीं है ये तो, लाइव चल रहा है ब्रो, कैसे करोगे? कीवी ऐप पर बड़े टारगेट सेट करना हो या फिर टारगेट्स को अचीव करना, 1998 में इंडिया का जलवा देखा था पूरी दुनिया ने, थैंक्स टू सचिन तेंदुलकर सर। सर रेडी हैं आप? सर सर आपसे बोलो सर, पांचवा सवाल सर स्क्रीन पे आपके आ गया है।
पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया इन द सेमीफाइनल ऑफ 1996 वर्ल्ड कप, यस और नो? टेल मी ब्रो। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब भी कोई मैच आता है ना, जब नया मैच आने लगता है तो पुराने मैचेस के सारे हाइलाइट्स दिखाते हैं, हिस्ट्री दिखाते हैं। अगर वो आपने देखी हो तो आपको पता होगा। वैसे बताऊं, पाकिस्तान 1996 वर्ल्ड कप में इंडिया से हारा तो था, लेकिन कौन से मैच में ये आपको बताना था। और जिस मैच की मैं बात कर रहा हूं, उस मैच में अजय जडेजा ने वकार यूनिस को भाई साहब क्या धोया था, और टोनी ग्रेग की कॉमेंट्री होय, जिसे देखकर पाकिस्तान का हर फैन रोया उसे याद कर करके। ओके, वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया आप प्लीज कीवी ऐप पे नहीं है तो आ जाओ, YouTube पर यस नो से पैसा नहीं मिल पाएगा। कीवी ऐप का ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इरफान पठान ने क्या हैट्रिक ली थी टेस्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट? इस सवाल का जवाब भी आप बता सकते हैं, याद कर सकते हैं, हाइलाइट्स देखे थे YouTube पर, याद करो यस और नो। 2003 में इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले इरफान पठान ने टीम इंडिया के लिए कई बेहतरीन बॉलिंग स्पेल्स डाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामने पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया, इरफान की धार ने सबको किया परेशान। यस, और सिर्फ बोलिंग ही नहीं, इरफान ने बैटिंग में भी इंडिया को कई मैचेस जिताए हैं। धोनी भाई का हाथ था और उस हाथ से ही उन्होंने इरफान पठान को बैट पकड़ाया था और ऑलराउंडर के रूप में सामने लाके खड़ा किया था। इरफान ने टेस्ट क्रिकेट में एक हैट्रिक ली है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी? ये आपको बताना था। आपको ये भी बता देता हूं, पहली ही तीन बॉलें थी, अब याद आ रहा होगा। ओके, वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू गाइस रेडी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सहवाग स्कोर्ड अ 173 इन हिज फर्स्ट टेस्ट वर्सेस पाकिस्तान। सहवाग वो नहीं देखते क्या T20, क्या ODI, क्या टेस्ट मैच? एक बार बल्ला जम गया तो फिर सारे फॉर्मेट उनके लिए एक ही बराबर है। वीरू पाजी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच में बड़ी सेंचुरी लगाई थी, जिसके बाद उन्हें मुल्तान का सुल्तान बुलाया जाने लगा था उसी इनिंग्स के बाद से। मगर क्या सहवाग का उस मैच में स्कोर 173 रन था? ये है सवाल भैया, उससे भी ज्यादा जल्दी से याद कर लो, क्योंकि ये जो जवाब है अगर आप टाइम से नहीं दोगे तो 10 सेकंड बीत जाएंगे। देखते देखते देखो मेरी बात पे भी 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम ले लो, बट एकदम ध्यान से सुनोगे तो मिल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। युवराज रैन आउट इनजी बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वर्सेस इंडिया वंस, ऐसा हुआ था क्या? ओ माय गॉड, इंजमाम उल हक और उनके रन आउट। आज भी देखें तो कई YouTube वीडियोस के थंबनेल होते हैं ना, वो इंजी का रन आउट। इंजमाम को रन आउट स्पेशलिस्ट तो हर कोई देखो कहता ही है, मगर 2006 में एक ऐसा मौका भी आया था यार, वो गजब का इंजरी मेरे सामने चल रहा है, जब इंजी भाई ने खुद को शरीर से बचाने के चक्कर में अपनी विकेट दे दी थी। वो कह रहा ये कॉन्सेप्ट कहां है, भागना पहुंचना, ऐसे भी तो बच सकते हैं। दरअसल उस मैच में इंजी ने शॉट खेला जो कि शॉट कवर पे फील्डर ने पकड़ लिया। इंजी ने सोचा कौन भागे, सिंगल, चलो वापस चलते। और वापस चलने के टाइम पे उन्होंने अपने पैरों का जोर नहीं बल्कि अपने शरीर का जोर जो है वो दिखाया। तभी फील्डर ने बॉल थ्रो की जो सीधा विकेट पे जा रही थी, लेकिन बीच में इंजी भाई ने कहा ऐसे भी तो रोक सकते हैं, इसमें दिक्कत कहां है। इंजी भाई तो इंजी भाई ठहरे, उन्होंने अपना बल्ला बॉल के आगे जो है अड़ा दिया था और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के रूल के तहत आउट हो गए थे। उसके बाद शक्ल भी बनाई थी, ये क्या गलत हो गया मेरे साथ यार, युवराज थे वो फील्डर या कोई और? ये था ट्रिक सवाल है जी। क्या लिखा था, यस लिखा था, नो लिखा था? जो भी लिखा था वो कंप्यूटर वाले भैया जो है आपको लास्ट में आके बता देंगे कि आपका जो जवाब था वो सही था या नहीं था। देखते देखते क्वेश्चन नंबर 9। ये लो स्क्रीन पे चकलो जी, सचिन हैज स्कोर्ड 2500 प्लस रन्स वर्सेस पाकिस्तान इन ओडीआई, यस और नो? सोचो सोचो, बहुत सारे रन बनाए तो सचिन पाजी ने कहां कहां किस किस का कैसे कैसे रिकॉर्ड याद रखे हैं, यही कह रहे हो? अच्छा थोड़ा सा आपको बताऊं, सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट में 2526 रन बनाए हैं। ओडीआई में सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के अगेंस्ट सबसे ज्यादा 3113 रन बनाए हैं। सेकेंड नंबर पर सचिन ने सबसे ज्यादा 3077 ओडीआई रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए हैं। थर्ड नंबर पर है पाकिस्तान, पर पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में सचिन के नाम 2500 से ऊपर रन है या नहीं, ये था सवाल मेरा। यस और नो, 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। आई होप भगवान के फैंस ने इसका सही जवाब दिया होगा, सचिन तेंदुलकर के डाई हार्ट फैंस, आई एम श्योर आपको इसका जवाब पता होगा। ओके, अब किस किस ने दिया है सही जवाब, किस किस का जवाब था सबसे क्विक,
इस आखिरी सवाल के बाद आपको पता लग जाएगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अश्विन इज येट टू प्ले अ टेस्ट वर्सेस पाकिस्तान। क्या अश्विन ने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है पाकिस्तान के अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं पता, पर जो WTC उनको नहीं खिलाया गया था, मतलब कोई रीजन ही नहीं सर। वर्ल्ड नंबर वन यार। खैर, इस सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। जो सालों से इंडियन क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं वो अपना लॉजिक लगाकर इसका जवाब तुरंत दे सकते हैं। अश्विन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 8 ODI और 6 T20 जरूर खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन आज तक कभी पाकिस्तान के सामने उतरे हैं? यह तो सवाल था। जवाब आपने क्या दिया है यस और नो में वो पता लग जाएगा। इसी के साथ खत्म कर रहे हैं आज अपना कीवी का क्विज। कल जो है इंडिया वर्सेस एक नई टीम की और हम बढ़ेंगे। वो टीम कौन सी होगी पहले ही बता दूं ताकि सारी तैयारी आप कर लो। देखो, इंडिया वर्सेस कोई तो टीम होगी, अब वो कौन सी होगी वो आपको कल पता लगेगा रात को 10 बजे। YouTube पर यस और नो लिख लिया, पैसा नहीं मिलेगा। जाना है कीवी ऐप पर आपको, तभी आपके पास ये मौका और ये पैसा दोनों आ जाएगा। ज्यादा दूर नहीं, डिस्क्रिप्शन में ही है इसका लिंक, या तो kiwi.co.in KIWE ये है एड्रेस, यहां पर भी आप जा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। ध्यान रखो अपना, गुड नाइट। कल मिलूंगा फिर रात 10 बजे। दिस इज योर क्विज मास्टर अतिशे सेइंग गुड बाय, गुड नाइट।